समाज का अब तक का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। यूरोप को एक भूत आतंकित किए हुए है, कम्युनिज्म का भूत। ये जो पंक्तियाँ हैं दोनों, ये किसी बहुत बड़ी कविता की आरंभिक पंक्तियाँ लगती हैं। मैंने शायद कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पहली बार जो है हिंदी अनुवाद में पढ़ा था, शायद 1970-71 के समय, और मुझे एकाएक लगा था कि मैं एक कविता पढ़ रहा हूँ। जिस तरह से वो आपको पकड़ लेती हैं, जिस तरह आपको सम्मोहित कर लेती हैं, और जितनी गंभीरता और जितनी जितनी बड़ी अंतर्दृष्टि के साथ वो एक अपने आप में बेजोड़ है। और ये लगता है कि इन पंक्तियों में, इन दो पंक्तियों में कार्ल मार्क्स और एंगेल्स ने जो है वो एक पूरे इतिहास को समेट लिया है। तो मैं इन पंक्तियों से बहुत प्रभावित हुआ और मैंने फिर उसको पढ़ना शुरू किया, और ज्यों ज्यों मैं पढ़ता गया मुझे लगा कि एक ऐसा यथार्थ है और उसका इस तरह का विश्लेषण है जैसा मैंने कभी पहले पढ़ा नहीं था। एक जगह मार्क्स और एंगेल्स कहते हैं कि पूंजीवाद ने जो है वो एक जितने भी ऊंचे दर्जे के पेशे हैं, वो चाहे कवि हो, चाहे पुरोहित हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे वकील हो, इन सबका जो प्रभामंडल था वो ख़त्म कर दिया है और सबको जो है दैनिक मजदूरी पाने वाला, दैनिक मजदूरी में तब्दील कर दिया है, और सबको जो है वेज अर्नर में, दिहाड़ी मजदूर में तब्दील कर दिया है। तो ये एक ऐसी सच्चाई थी कि मुझे लगा कि यही आज की पूंजीवादी दौर की पूरी दुनिया मेरे सामने उजागर हो उठी। कार्ल मार्क्स कहीं ना कहीं हमारी कविताओं को भी, हमारी कविताओं की प्रस्थापना बदलने वाले चिंतक भी हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के जो काव्यात्मक अंश हैं वो बड़ी से बड़ी कविता को प्रेरित कर सकते हैं।